तो हम लोग शुरू करते हैं ऑन रोड प्राइस से। तो लखनऊ शोरूम में ऑन रोड प्राइस इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे SLX यानी कि महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस SLX की जो ऑन रोड प्राइस है लखनऊ शोरूम में वो है 9,39,000 रुपये यानी 9,39,000 रुपीज़। वहीं पे बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस ZLX की, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 9,78,000 रुपये इन लखनऊ शोरूम यानी कि 9,78,000 रुपीज़। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग 40,000 रुपये का अंतर देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आपको 40,000 के बदले इसमें कौन से ऐसे फीचर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स, जिसके लिए आपको 40,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी फ़ीचर की। तो सेफ्टी फ़ीचर में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। बोलेरो पावर प्लस SLX में आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है। वहीं पर बात करते हैं ZLX की, तो यहाँ पर भी आपको केवल सीट बेल्ट वार्निंग के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर प्लस SLX में इंजन इम्बलाइजर मिलता है, रिमोट कंट्रोल्ड सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं लॉक सेक्शन में इन SLX। वहीं पे बात करते हैं ZLX की, तो यहाँ पे आपको इंजन इम्बलाइजर मिलता है, रिमोट कंट्रोल्ड सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है इन लॉक्स एंड सिक्योरिटी सेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कम्फर्ट सेक्शन के बारे में। यहाँ पे भी आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। SLX और ZLX में आपको मिलती है मैनुअल AC, सिंगल 12V पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर्स ऑन सन विजर्स फॉर को ड्राइवर ओनली और हीटर। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स ऑन सन विजर्स केवल को ड्राइवर यानी कि फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए आपको यहाँ पे मिलता है और हीटर भी यहाँ पे आपको मिलता है। इसी के साथ ZLX की बात करें तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी मिलती हैं, मैनुअल AC, सिंगल 12V पावर आउटलेट और वैनिटी मिरर्स ऑन सन विजर्स फॉर को ड्राइवर और हीटर। ये सारी चीज़ें आपको ZLX में भी मिलती हैं। अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। SLX में आपको विनिल प्लस फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है और मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट यानी कि ड्राइवर की जो सीट एडजस्टमेंट होगी वो मैनुअल होगी। और वहीं पे बात करते हैं फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे भी आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलती है आगे की तरफ। बेंच रियर सीट्स यहाँ पे आपको दी गई है बेंच स्टाइल में। थर्ड रो सीट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बेंच सीट्स मिलती हैं और सिंगल टोन इंटीरियर्स यहाँ पे आपको मिलता है, रियर आर्मरेस्ट मिलता है, पीछे की तरफ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। फुल फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, पीछे की सीट्स आप फुल फोल्ड कर सकते हैं और फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है यानी कि आगे की तरफ जो हेडरेस्ट आपको मिलता है वो एडजस्टेबल है। वहीं पे हेडरेस्ट की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ZLX की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लगभग सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, जैसे कि विनिल की फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है और मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको मिलती है, मैनुअल फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट, बेंच रियर सीट्स और थर्ड रो सीट्स यहाँ पे बेंच मिलती है, सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है और रियर आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। फुल फोल्डिंग रियर सीट्स हैं यानी पीछे की तरफ आप फुल फोल्ड कर सकते हैं। फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और हेडरेस्ट यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पे दिया गया है। तो इस सेक्शन में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ के बारे में। तो यहाँ पे SLX में आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ, चारों ही गेट पे आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं SLX में। और एक्सटर्नली एडजस्टेबल ORVM यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स और बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ और सेक्शंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको पेंटेड इंटीरियर डोर हैंडल्स मिलते हैं और फ्रंट डो पॉकेट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, बूट लिड ओपनर विद की यहाँ पे दी गई है और बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं, बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। सेम चीज़ें आपको ZLX में मिल जाएंगी, जैसे कि पावर विंडोज़ फॉर फ्रंट एंड रियर, आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी और एक्सटीरियर एडजस्टेबल एक्सटर्नली एडजस्टेबल ORVMs यहाँ पे आपको मिलती हैं और बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डो हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पेंटेड इंटीरियर डो हैंडल्स की, तो यहाँ पे आपको पेंटेड दी गई है इंटीरियर डो हैंडल्स, फ्रंट डो पॉकेट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं और बूट लिड ओपनर यहाँ पे विद की आती है की के साथ और बॉडी कलर्ड ORVMs यहाँ पे आपको मिलते हैं और बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। जो एक्स्ट्रा फीचर है वो है रियर वाइपर्स, ये चीज़ आपको SLX में नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, जबकि ZLX में आपको रियर वाइपर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं लाइटिंग सेक्शन की, तो लाइटिंग सेक्शन में भी आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। SLX में आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और कन्वेंशनल टेल लैम्प्स भी, फ्रंट केबिन लैम्प्स यानी केबिन लैम्प आपको जो दिया जाएगा वो फ्रंट की तरफ होगा आगे की तरफ और हेडलाइट हाइट एडजस्टर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा रियर रीडिंग लैम्प भी आपको मिलता है।
तो SLX में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ZLX में भी आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कन्वेंशनल हेडलैम्प्स, कन्वेंशनल टेल लैम्प्स, फ्रंट केबिन लैम्प्स, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, रियर रीडिंग लैम्प, ये सारी चीज़ें। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो SLX में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर वन ट्रिप ट्रिप मीटर यहाँ पे आपको दिया गया है, और डिजिटल क्लॉक यहाँ पे मिलता है, एनालॉग टेकोमीटर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। वहीं पर बात करते हैं ZLX की, तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वन ट्रिप ट्रिप मीटर मिलता है, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग टेकोमीटर यहाँ पे भी कॉमन चीज़ है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन की। SLX में आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, हेड यूनिट साइज़ 1 DIN का है, और 4 स्पीकर्स यानी 4 स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा कॉम्पैटिबिलिटीज़ में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा SLX और ZLX में। यहाँ पे भी आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, हेड यूनिट साइज़ 1 DIN है और 4 स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कॉम्पैटिबिलिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको केवल USB कॉम्पैटिबिलिटी मिलती है इन SLX। वहीं पर ZLX की बात करें तो यहाँ पे आपको USB AUX कॉम्पैटिबिलिटीज़ मिलती हैं विद ऑडियो स्ट्रीमिंग। इसके अलावा सारी कॉमन चीज़ें हैं, MP3 प्लेबैक और FM रेडियो कॉमन मिलता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर वारंटी की, तो मैन्युफैक्चरर वारंटी आपको दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलती है। SLX की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है 3 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की। वहीं पे ZLX की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है। बात करते हैं डायमेंशंस की। यहाँ पे आपको SLX की जो डायमेंशन मिलेगी वो 3.99 अप्रॉक्स 4 मीटर की लेंथ यानी कि लंबाई मिलती है, 1.7 मीटर की विड्थ यानी कि चौड़ाई मिलती है, 1.8 मीटर की हाइट यानी कि ऊंचाई मिलती है, 2.6 मीटर की व्हील बेस यानी कि यहाँ पे आपको 2.6 लगभग 2.5 मीटर की व्हील बेस मिलती है, 180 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। अब बात करते हैं ZLX की, तो यहाँ पे आपको 3.9 मीटर की लेंथ, सेम चीज़ें मतलब डायमेंशंस में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आपको 3.9 अप्रॉक्स 4 मीटर 4 मीटर की लेंथ यानी कि लंबाई मिलती है, 1.7 मीटर की विड्थ यानी कि चौड़ाई मिलती है, 1.8 मीटर की हाइट यानी कि ऊंचाई मिलती है, 2.6 मीटर की व्हील बेस मिलती है, 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको 180 मिलीमीटर की मिलती है 180 मिलीमीटर की। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन में भी आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं इंजन्स की, तो यहाँ पे आपको SLX में जो इंजन मिलता है वो रिलायबल एनहॉक D70 1493 cc का SOHC डीजल इंजन लगा हुआ है। बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पे आपको 70 bhp एट द रेट ऑफ 3600 rpm का मैक्सिमम पावर मिलता है, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 195 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1400 rpm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। वहीं पे माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 16.5 लगभग 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और फिक्स ज्योमेट्री का यहाँ पे आपको टर्बो चार्जर मिलता है, 5-स्पीड मैनुअल गियर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं यानी कि 5 गियर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आती है। बोलेरो की कोई भी मॉडल आपको डीजल मैनुअल ही मिलती है। इसके अलावा रियर व्हील ड्राइव कार है यानी कि पीछे की तरफ वाले जो पहिए होते हैं वो चलते हैं यहाँ पे, और ये गाड़ी उसे धक्का देती है। अब बात करते हैं ZLX की, तो यहाँ पे आपको रिलायबल एनहॉक D70 का 1493 cc SOHC डीजल इंजन मिलता है। सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं, 70 bhp एट द रेट ऑफ 3600 rpm का मैक्सिमम पावर है, और 195 Nm एट द रेट ऑफ 1400 rpm का मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है। माइलेज भी सेम ही है इंजन की वजह से, माइलेज पे थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है वेट की वजह से, वेट में आपको बहुत थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, और इसलिए माइलेज यहाँ पे नेग्लिजिबल डिफरेंस में आती है। 16.5 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिलती है, ये कंपनी क्लेम करती है 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज। फिक्स ज्योमेट्री का आपको टर्बो चार्जर मिलता है, 5-स्पीड मैनुअल गियर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं यानी कि 5 गियर्स हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है, रियर व्हील ड्राइव इसकी ड्राइव ट्रेन है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ये चीज़ आपको केवल ZLX में मिलती है, ये चीज़ आपको SLX में नहीं मिलेगी। यही एक अंतर है आपको इन दोनों ही गाड़ियों में, केवल एक ही अंतर मिलता है SLX और ZLX में। यहाँ पे SLX में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन नहीं मिलता है जबकि ZLX में मिलता है। सस्पेंशंस की बात करें तो SLX की जो फ्रंट सस्पेंशन है
वहाँ पे लगा हुआ है IFS कॉइल स्प्रिंग। और रियर की बात करें, रियर साइड पे आपको रिजिड लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन मिल जाएगा SLX में। अब बात करते हैं ZLX की, यहाँ पे आपको IFS कॉइल स्प्रिंग ऑन फ्रंट साइड यानी आगे की तरफ आपको IFS कॉइल स्प्रिंग मिल जाएगी, और रिजिड लीफ स्प्रिंग ऑन रियर साइड यानी पीछे की तरफ आपको रिजिड लीफ स्प्रिंग मिलती है। ब्रेक्स की बात करें तो SLX में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं ऑन फ्रंट साइड यानी कि आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, और ड्रम ब्रेक्स जो हैं वो पीछे की तरफ मिलती हैं। 5.8 मीटर की यानी 5.8 मीटर्स की आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है। इसके अलावा स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉश स्टड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ZLX की, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स आपको ऑन फ्रंट साइड यानी आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। ड्रम ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर यानी पीछे की साइड पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। 5.8 मीटर यानी 5.8 मीटर की आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है, और पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग इसमें आती है। अब बात करते हैं व्हील्स एंड टायर्स की, SLX और ZLX की टायर्स एंड व्हील्स सारी चीज़ें सेम हैं। स्टील रिम्स में आती है दोनों ही गाड़ियाँ, और स्पेयर व्हील भी आपको स्टील की मिलती है दोनों ही में। अब बात करते हैं टायर साइज़ की, तो यहाँ पे आपको 215x75R15 का टायर साइज़ मिलता है। 15 इंचेस रेडियस ऑफ व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं कलर्स की, तो जो कलर अवेलेबल है इंडियन मार्केट में फॉर दिस कार्स वो है ब्राउन, बीज, सिल्वर एंड वाइट। ये सारे चार कलर्स हैं, इन चार कलर्स में आपको ये गाड़ी अवेलेबल होगी। तो ये थी सारी डिटेल्स अबाउट महिंद्रा बोलेरो SLX एंड ZLX। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे। अगर आप लोगों को इस चैनल पे कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपको इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।